Attention all of you. Today we shall study about the topic related to guard by zeal friends. इसका पार्ट वन पढ़ चुके हैं, आज सब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने का प्रारंभ करेंगे. Attention all of you. So in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए the writer's faith in God मीन्स लेखक के भगवान में विश्वास को डिगाने के लिए दी पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया. आंसर द लेटर पत्र का उत्तर दो. बट लेकिन व्हेन ही ओपेंड इट लेकिन जब उन्होंने उसने इसको खोला अर्थात पत्र को खोला. इट वॉज इविडेंट अर्थात इसमें यह स्पष्ट था इविडेंट क्लियर था दैट टू आंसर इट इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर उसे गुड विल सद्भावना इंक स्याही एंड पेपर कागज की अपेक्षा समथिंग मोर किसी और चीज की जरूरत है. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशंस ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन he stuck to his resolution. ध्यान दीजिए resolution means decision निश्चय और stuck to means होता है दृढ़ अड़ा रहा. लेकिन वह अपने निर्णय पर stuck to रहा अडिग रहा अर्थ कौन रहा पोस्टमास्टर ने. He asked for money from his employees. उन्होंने अपने कर्मचारियों से धन मांगा. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपने स्वयं के वेतन का एक भाग दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर अब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स परोपकारिता मीन्स चैरिटी मीन्स क्या होता है परोपकारिता दान. तो इस परोपकार के कार्य में उन्होंने अपने मित्रों से अपने मित्रों से भी सहायता करने के लिए कहा. कहने का तात्पर्य है लेकिन बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा. उन्होंने हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से उसने धन मांगा. वह स्वयं अपने वेतन का भाग दिया एंड अपने बहुत से मित्रों को इस परोपकार के कार्य में कृतज्ञता करने के लिए आग्रह किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर दी 100 pieces मीन्स 100 pieces इकट्ठा करना उनके लिए संभव था. अर्थात उनके मित्रों ने दी रुपया दिया उन्होंने अपने पार्ट का सैलरी दिया और उनके कर्मचारियों ने दिया लेकिन 100 pieces इकट्ठा करना उस समय में बहुत कठिन था. तो सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड दी फॉर्मर वनली अ लिटिल मोर देन हाफ इसलिए वह देन हाफ अ लिटिल मोर देन आधे से कुछ अधिक ही भेज पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो उसने लेंचो के लिखे गए पते पर लिफाफे में पुट द मनी धन को रखा. एंड विद देम और उसके साथ लेटर कंटेनिंग ओनली जिस पर एक शब्द केवल लिखा गया था गॉड हे भगवान. दी फॉलोइंग आने वाले रविवार को लेंचो केम बिट अर्लियर समय से थोड़ा पहले पहुंच करके देन यूजुअल टू आस सामान्यता की बात कुछ समय आम समय से पहले पहुंच करके टू आस ने पूछा इफ दियर वाज ए लेटर फॉर हिम क्या उसका कोई पत्र आया है. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ स्वयं पोस्टमैन था हु हैंडेड लेटर टू हिम जिसने उसे उसके हाथ में पत्र दिया. और जब पत्र दिया वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन एक व्यक्ति का संतुष्ट का अनुभव करते हुए हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड जिसने कुछ अच्छा कार्य किया है लुक डाउन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस वहां ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था. कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो पोस्टमैन उनके हाथों में पैसा दे रहा था लिफाफा दे रहा था तो वो व्यक्ति समझ रहे बहुत अच्छा कार्य संतुष्टि के भाव से उसने अ गुड डीड एक अच्छा कार्य कर रहे हैं लुक डाउन फ्रॉम द डोरवे ऑफिस के दरवाजे से उसे देखता रहा.
लेंचो सोब्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो धन को देखकर स्लाइटेस्ट ने बहुत थोड़ा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में इसका ऐसा विश्वास था। बट लेकिन ही बीकेम एंग्री, लेकिन वो दुखी हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उन्होंने धन को गिना तब वो नाराज था। जब पोस्टमैन ने उसे पत्र दिया तो जो धन उन्होंने डिमांड किया था उतना धन नहीं मिला, तो वो क्या हुआ, नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट है मेड ए मिस्टेक, भगवान इस तरीके से गलती नहीं कर सकते हैं, ऐसा लेंचो सोच रहा। नार कुड, और ना ही है डिनाइड लेंचो, ना ही उसने लेंचो को धन देने से, डिनाइड मीन्स मना करना, इनकार किया होगा, ठीक है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उन्होंने प्रार्थना किया था। अर्थात ईश्वर ने ना तो धन देने में कोई गलती किया होगा और ना ही उन्हें लेंचो को देने से मना किया होगा, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उन्होंने पत्र के माध्यम से प्रार्थना किया था। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास पेपर और स्याही मांगने के लिए बेंट अप गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स, जिस पर सभी लोग, जैसे आप जानते हैं ऑफिस में कुर्सियां लगी रहती हैं, टेबल लगे रहते हैं, उस पर कोई व्यक्ति बैठकर अपना कार्य कर सकता है, तो उसी तरीके से ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स सार्वजनिक टेबल पर बैठ करके, टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स भवों, रिंकलिंग में जोर पड़ा, उसको लिखने में उसके भवों में जोर पड़ा। कार्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज, उसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कार्ड बाय द एफर्ट इतना प्रयास करना पड़ा, उसकी भवों पर रिंकलिंग जोर पड़ गया। अर्थात कभी कभी आप क्रोध में होते हैं तो आप जब लिखते हैं तो आपके भवों में ज़्यादा जोर आता है, आपको बहुत कष्ट होता है, जो आप लिखना चाहते हो नहीं लिख पाते, तो ऐसा जो मोमेंटम है वो लेंचो महसूस कर रहा है, इसलिए लेखक ने यहाँ उसके बारे में वर्णन किया है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उन्होंने लिखना समाप्त किया, ही बेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, जब उन्होंने लिखना समाप्त किया तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। हुई जिसको ही लाइट एंड देन अफिट टू द इनवेलप विद ब्लू ऑफ हिज फिस्ट, अभी आप देखते हैं जो चस्पा करने के लिए जो पदार्थ है वो नहीं होता है तो उसे चिट कर देते हैं, थूक लगा देते हैं, वही लाइट चाटा। एंड देन अफिट टू द इनवेलप विद ब्लू, और अपने मुँहों से लिफाफे पर उसे अफिट कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट, जिस क्षण दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र को मेल बॉय डाकखाने में डाला गया, उसी क्षण द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, उसी क्षण पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया, निकालने के लिए गया। इट सेड, इसमें क्या कहा गया था, देखिए क्या कहा था, जो उन्होंने पत्र लिखा फिर से, क्योंकि 100 पीसोज मांगा था उसे 70 पीसोज मिला, और क्या लिखा गया था इसे आप ध्यान से देखें। गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से ओनली 70 पीसोज रीच मी, उसमें से केवल 70 पीसोज मुझे प्राप्त हुए। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसे मुझे बहुत आवश्यकता, अर्थात तब से आवश्यकता है जब से ओला पड़ा हुआ है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, मुझे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स क्या होता है, धोखेबाज बेईमान का झुंड, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं लेंचो। तो कहने का तात्पर्य है, इन्होंने बताया जिस क्षण पत्र को क्या मेल बॉक्स में डाला गया, उसी समय पोस्टमैन से खोलने के लिए गया, इसमें लिखा गया था, हे भगवान, जितना धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोज मुझे मिले हैं, और शेष धन मुझे भेजिए, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन इसे मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, डाकखाने से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कर्मचारी मानों का झुंड है लेंचो। इस तरीके से विद्यार्थियों, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप सब
ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो बार बार अगेन 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 एंड अगेन आप इसको रीड करेंगे तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। थैंक ऑल ऑफ यू।